रहा है कि पार्टी टिकट नहीं देगी, पार्टी टिकट नहीं देगी तो जीतेंगे कहाँ से, विधानसभा में बैठेंगे कहाँ से। तो मुझे नहीं लगता कि बाकी के किसी विधायक को इतनी पड़ी है जनता की, महिलाओं की, युवाओं की, सबकी, मुझे नहीं लगता कि उनको किसी चीज़ की पड़ी है। और मेरे पापा को क्योंकि टिकट की ज़रूरत नहीं है और उन्हें पता है कि जनता उनके फेस पे वोट डाल के जाती है, उनके उनका फेस ही सिंबल है, इसलिए वो ये चीज़ें बोलते हैं। उन्हें पता है कि उनकी माँ भी एक महिला है, उनकी बेटी भी एक महिला है, उनकी वाइफ भी एक महिला है, आधी आधी जनता महिला है, आधी जो हमारी परसेंटेज आती है वो महिला है। तो उसके लिए अगर वो नहीं लड़ेंगे, एक राजपूत का धर्म नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा उनका। राव शेखा ने रणावता में महिला के सम्मान में ऐसा युद्ध लड़ा था, ऐसा युद्ध लड़ा था तो आज भी हम लोग याद रखते हैं उनको। तीन तीन, वो खुद, उनका बेटा, उनका पोता, तीन पीढ़ियां एक साथ कट गई थी। तो वो जो ब्लड है, वो ब्लड में हमारे वेंस में है वो ब्लड। तो इस बार कौन कट रहा है? पापा ने कहा था अशोक जी गहलोत के समाचार समाप्त हो, उनको लगा था ये अच्छे इंसान, इसलिए ही वो उनके साथ में आए। उनको लगता है कि सचिन पायलट जी अच्छे इंसान है, जो वो है, इसलिए वो उनके साथ में आए थे। एक नाथ शिंदे जी जो उन्होंने महाराष्ट्र में करके दिखाया है और वो अभी भी कर रहे हैं, जो उन्होंने प्रूव किया है, जो कहा है वो उन्होंने किया है, तो इसलिए मेरे पापा उनके साथ हैं।